हेलो बच्चों, हाउ आर यू? मैं आसिना, गुड इवनिंग। कैसे हो? गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अतुल सिन्हा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री। बच्चों, आज हमने केमिस्ट्री की क्लास रखी है। इट इज यूजुअल फीचर नाउ इट इज कि मैं आपको 5:30 और 5:30 और दैट इज 6 o'clock के बीच में आपको आजकल मैं केमिस्ट्री की क्लास दे रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड द कमिंग एग्जाम ऑफ CDS। बच्चों, CDS, CAPF, FCAT, ये सारे क्लास हम लोग कंबाइन कराते हैं ऑन द दैट इज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। एंड मेरा रेफरल कोड है अतुल सिन्हा। अतुल सिन्हा का रेफरल कोड इस्तेमाल करके बच्चों, और आप वहां पे प्लस पे आ सकते हैं। पर मंथ हमारी क्लास चलती है CDS, CAPF, FCAT के लिए। दैट इज ऑफ 30 लेक्चर एट द प्लस एंड स्पेशल क्लास में CDS और NDA का मिला के लगभग 50 क्लास पर मंथ देता हूँ बच्चों। मेरा रेफरल कोड है तुसिना। और आपको यहाँ पे दैट इज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दैट इज पैराडाइज स्टडी कैंपस, हम लोग यहाँ पे GS के ऑलमोस्ट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, दैट इज इंक, पेंट, पेपर, प्लास्टिक एंड पाउ दैट इज गन पाउडर एंड पिगमेंट्स एटसेट्रा। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक्स विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर कमिंग एग्जाम। हर एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड। मैं हसीना, यश अग्रवाल, मेघना अग्रवाल, जहां पे भी हो जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों। सभी बच्चे ज्वाइन करो। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम आपको इंक, पेंट, पेपर, प्लास्टिक्स, जिससे कि ऑलवेज क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इंक क्या होता है? इंक वाज नोन बिफोर 4000 ईयर इन इजिप्ट। इजिप्ट जिसको पहले मिस्र कहते थे, वहां पे 4000 साल पहले इंक की जानकारी लोगों को थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम इंक वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल एंड रेजिन। रेजिन का मतलब होता है रेशा। रेजिन से दैट इज सबसे पहले इंक प्राप्त बनाया गया था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इंक इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? एक होता है एनिलिन इंक और दूसरा होता है आयरन जेल इंक। एनिलिन इंक एंड आयरन जेल इंक, दो तरह के इंक की हम चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है ना? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। जिस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं इंक को, उसमें इंक दो तरह का होता है, एनिलिन इंक एंड आयरन जेल इंक। एनिलिन इंक जो होता है दैट इज, उसमें रॉ मटेरियल होगा इओसिन, ग्लिसरीन, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल। दैट इज कार्बोनिक एसिड में CH2CO3 होता है एंड बोरिक एसिड H3H3BO3। दिस इज H3BO3 है बोरिक एसिड। और इनका पूछा जाता है, यश अग्रवाल गुड इवनिंग, पूछा जाता है कि इसका इस्तेमाल क्या है? तो प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ फंजाई इन द इंक। इंक में फंगस को दैट इज प्रोडक्शन से, फंगस के बनने से रोकने के लिए होता है बच्चों बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है ना? कार्बोनिक एसिड CH2CO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कार्बोनिक एसिड एंड बोरिक एसिड का टू प्रिवेंट द दैट इज फंजाई इन द इंक। ओके, उसके बाद ग्लिसरीन, जो ग्लिसरॉल भी है, ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही चीज है, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैम्प पैड इंक। ये क्वेश्चन आता है स्टैम्प पैड, जो जिसमें कि हम लोग पैड से जो जो अपना जो दैट इज नोटरी वाले लगाते हैं, या कहीं पे भी ऑफिस में प्रिंसिपल का ऑफिस में जो मोहर लगता है उसको कहते हैं स्टैम्प पैड इंक। तो उसमें ग्लिसरीन यूज किया जाता है। रेजिन और ग्लू और गम फॉर शाइनिंग, शाइनिंग सरफेस के लिए बच्चों रेजिन या ग्लू या गम लगाया जाता है। एंड अलग डिफरेंट कलर सब्सटेंस भी लगाया जाता है बच्चों। ओके, तो
तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ यश अग्रवाल, इंक जो सबसे पहले 4000 ईयर में इजिप्ट में है ना, नॉन बिफोर 4000 ईयर जानकारी थी इजिप्ट के लोगों को। इजिप्ट आपको पता ही है कि बहुत सारा चीज डिस्कवर हुआ है वहां पे। फर्स्ट टाइम इंक वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल एंड रेजिन, कोल और रेजिन से पहली बार बना था। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इंक को दो भाग, दो टाइप के होते हैं, एक दैट इज टू टाइप्स के होंगे, एक एनिलिन, एनिलिन इंक और एक आयरन जेल इंक, एनिलिन इंक एंड आयरन जेल इंक। एनिलिन इंक इसको हम लोग रॉ मटेरियल क्या क्या लेते हैं, तो इओसिन, ग्लिसरीन, कार्बोनिक एसिड, फिनॉल है ना, और कार्बोनिक एसिड CH2CO3 और बोरिक एसिड का इस्तेमाल H3BO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोडक्ट दैट इज टू प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ फंगस इन द इंक, फंगस ना बने। और ग्लिसरीन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैम्प पैड इंक, रेजिन और ग्लू फॉर गम फॉर शाइनिंग है ना, और ग्लू और गम फॉर शाइनिंग, शाइनिंग के लिए, शाइनिंग सरफेस के लिए, इंक अच्छा शाइन करे, और कलर सब्सटेंस मिलाया जाता है। अदा सेकेंड हो गया, ये तो हो गया अब तुमको एनिलिन इंक, और दूसरा हो गया आयरन जेल इंक। आयरन जेल इंक जो होता है उसमें रॉ मटेरियल होगा रेजीन और ग्लू, ग्लू और गम दैट इज अरबिक ग्लिसरीन है ना, रेजीन और ग्लू और गम और अरबिक ग्लिसरीन होगा इसमें रॉ मटेरियल। अल्कोहल और स्पिरिट और फिनॉल भी होगा इसमें। फिर टैनिक एसिड होगा, गैलिक एसिड होगा, यूज इन द ब्लू ब्लैक इंक, ब्लू ब्लैक इंक बनाना है तो टैनिक एसिड या गैलिक एसिड होगा। फेरस सल्फेट, FeSO4 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है, ये यूज के मेन कंपोनेंट होता है इन द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस इंक दैट इज रॉ मटेरियल में। ओके, उसके बाद आ जाइए कलरिंग। अब सब कलरिंग सब्सटेंस क्या क्या होता है बच्चों, तो आपको अगर कलरिंग सब्सटेंस नेफ्थलीन ब्लैक आप डालेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर का इंक बनता है बच्चों। ये एनडीए के एग्जाम में बिल्कुल सिलेबस में है, CDSE, FEPF, FCAT में भी कमिंग एग्जाम में आएगा, तो वेरी वाइटल टॉपिक वी आर डिस्कसिंग दैट इज सिंपल इंपॉर्टेंस दैट इज सब्सटेंस इन द केमिस्ट्री पार्ट्स में। नेप्थलीन ब्लैक से ब्लैक ब्लू इंक बनता है बच्चों, मिथाइलिन ब्लू से ब्लू कलर का इंक बनता है, इओसिन एंड कॉन्गो रेड से रेड कलर का इंक बनेगा, मैलेचाइट ग्रीन से ग्रीन कलर का इंक बनेगा, और एनिलिन ब्लैक से ब्लैक कलर का इंक बनेगा। ओके, तो ये सारे सब्सटेंस आपको बनाए जाते हैं, डाले जाते हैं कलरिंग सब्सटेंस जो कि डिफरेंट कलर ऑफ इंक प्राप्त करने के लिए। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर। पेपर क्या होता है, सेलुलोज इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। सेलुलोज सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, तो इसमें आपको पता है कि दैट इज पेपर का दैट इज पल्प, पेपर पल्प को कहते हैं, उसको लुगदी कहते हैं। पेपर पल्प का केस एक हुआ था लखुभाई पाठक धोखाधड़ी केस। जय, कैसे हो, CDS की तैयारी चल रही है बच्चों, ठीक है ना, कमिंग एग्जाम UPSC के सभी एग्जाम के लिए मैं आपको 5:30 और 10:30 दो बारा मैं यहाँ पे आपको लाइव होता हूँ और आपको कराया जा रहा है, जिसमें आपको मैं आज पेपर पे पेंट इंक दैट इज पिगमेंट्स ये सब करा रहे हैं, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है वो पेपर का पल्प होता है, जिसको लुगदी कहते हैं। लखू भाई पाठक धोखाधड़ी केस में बता रहा था कि लखू भाई पाठक एक पेपर पल्प के बहुत बड़े डीलर थे और प्रधानमंत्री थे दैट इज पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से 1991 में, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी उन्होंने 5 साल तक, और उसमें एक केस में पड़ गए थे ये लखू भाई पाठक धोखाधड़ी केस में। केस मोही की अदालत में केस चलता था दैट इज इन द 30 हजारी, और मैं भी किसी केस में उसी कोर्ट में अपियर हुआ था। आई वाज द जस्ट ऑब्टेन द डिग्री ऑफ दैट इज लॉ ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट में अभी तुरंत हुआ था, और मैं IAS का मेन भी लिखा था, उसी में कोई कोई विवाद हो गया था तो मैं भी केस वहां पे फाइल किया था सिविल सूट, तो वो है याद हमको बड़ा, जब भी पेपर में पढ़ाता हूँ तो लखू भाई पाठक हमको याद आ जाते हैं बच्चों। पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ए स्मॉल पीसेज ऑफ ओल्ड रैग्स, तिनका, रैग्स मतलब तिनका, एंड ग्रासेस एंड पीसेज ऑफ वुड विथ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा के साथ इसको सबको मिला के उसको बॉयल किया जाता है पहले, देन आफ्टर कूलिंग द मिक्सर इज ब्लीच्ड टू ए परफेक्ट व्हाइट पेस्ट, ब्लीचिंग कहते हैं उसको,
डिस्कलर करने को, व्हाइट बनाने को। अभी एक और पेपर का बहुत अच्छा मेरे पास केस आया था बच्चों, मैंने देखा था, मतलब मीडिया रिपोर्ट में जो पढ़ा था मैंने, कि एक आईएएस अफसर है, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद आसाम और उसके आगे सेवन सिस्टर जो छोटी छोटी स्टेट्स है वहां पे एलिफेंट की संख्या ज्यादा है, तो एलिफेंट के एक्सक्रीटा से, है ना, रिटायर्ड आईएएस अफसर ने अपनी बेटी के साथ मिलकर कंपनी खोला और वहां जाके पेप दैट इज हाथी के जो जो एक्सक्रीटा होता है उससे वहां के लोकल से ले लेके और उसको बॉयल करा के उसको उसमें बहुत ज्यादा रैग मिल जाएगा, उससे पेपर बनाने की फैक्ट्री बनाई थी 5-7 साल पहले, मैंने देखा था पेपर में। ठीक है, तो एक हो तो हो गया कि सेलुलोज इसमें रॉ मटेरियल में यूज होता है और पेपर में फिर बॉयल किया जाता है, स्मॉल पीस ऑफ ओल्ड रैग्स, ग्रासेस, पीस ऑफ फूड एंड कास्टिक सोडा के साथ मिला के, एंड देन आफ्टर कूलिंग द मिक्सचर इज ब्लीच्ड, ब्लीच करते हैं, डिस्कलर करते हैं टू परफेक्ट व्हाइट पेस्ट, उसके बाद एलम, फिटकरी, व्हाइट क्ले एंड रेजिन ऐड किया जाता है व्हाइट पेस्ट टू फॉर्म द शीट्स, शीट्स बना देते हैं, एंड शीट्स प्रिपेयर्ड एंड ड्राइड बाय स्टीम एंड कट इन पेपर साइज, जैसा जैसा साइज होता है रोल करके उसको हम निकाल लेते हैं बच्चों। उसके बाद आ जाइए पेंट, पेंट इज अ मिक्सचर ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स क्या होता है बच्चों, पिगमेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव कलर टू अदर सब्सटेंस, पिगमेंट वो वस्तु होता है जो दूसरे वस्तु को रंग प्रदान करता है, तो पेंट इज अ मिक्सचर ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन ए सॉल्वेंट, किसी खास सॉल्वेंट में जैसे टर्पेंटाइन होगा, टर्पिन का तेल होगा उसमें सस्पेंडेड होगा। पेंट्स आर वाइजली यूज्ड इन द सरफेस कोटिंग, दीवार के कोटिंग करने में जय बहुत यूज होता है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट्स, मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेंट्स क्या क्या होते हैं, यही सब एग्जाम में आता है। तो पहला तो आ जाइए पिगमेंट्स, पिगमेंट में बता दिया कि वो सब्सटेंस हो जाता है दूसरे को रंग प्रदान करता है, सब्सटेंसेस गिव कलर टू अनदर सब्सटेंसेस को पिगमेंट कहते हैं, एंड दिस हैव अ डेफिनेट कलर होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो घोलक उसमें होगा, नॉर्मली सम ऑयल लाइक टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज एज ए सॉल्वेंट में बता दिया। ठीक है, उसके बाद ड्रायर होगा, द कंपाउंड विच आर यूज टू ड्राई द पेंट्स, उसके बाद सूखने में मदद करे, तो दीज आर कोबाल्ट होता है, लेड होता है, मैग्नीज होता है, रोसिनेट्स कंपाउंड्स होते हैं, MnO, CO, कोबाल्ट ऑक्साइड एटसेट्रा। ओके, तो वही लेड जो होता है ना प्रिंटिंग प्रेस में जो जो पेपर का हम लोग बार बार यूज कर लेते हैं, कोई मतलब कि चना भुना हुआ खाने में किसी चीज में, तो पूछा जाता है कि पेपर में कौन सा ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि हमको गर्म खाना उसमें रखने पे और उसमें चिपक जाएगा, जैसे जिलेबी लोग खाते हैं वो पेपर पे लेके दे देगा, तो उसमें आपको वही जो है कि लेड जो है, लेड जो उसमें मिला होता है पेपर में पेंट में, दैट कॉज दैट इज हार्म टू द प्लांट्स, ओके, उसको हार्म कर सकता है बच्चों, गॉट इट। तो ये बात हो गई, उसके बाद आ जाइए आपको दैट इज ड्राइड हो गया, ड्राइड के बाद आ जाइए थीनर, थीनर क्या करेगा कि उसको ढीला करेगा, ढीला करने में थीनर में क्या होगा, सब्सटेंस आर यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट्स, विस्कोसिटी पता है जय बहुत, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, सब्सटेंस आर यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ पेंट्स, फिजिक्स में कराया गया है, यस अग्रवाल, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ व्हिच डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड रेसिस्ट द फ्लो ऑफ ईच अदर बिकॉज इंटरटेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन देम, है ना, विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता कहते हैं उसको, श्यानता किसी द्रव का वह गुण होता है जिसके चलते द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे के गति का विरोध करती है क्योंकि उनके बीच में अंतर स्पर्शीय रेखीय बल काम करता है, लिक्विड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को, लिक्विड के डिफरेंट लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो थीनर द सब्सटेंस आर यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट, मतलब उसको पतला करने में, ये समझ लो कि उसको पतला करने में, है ना, पतला करेगा उसको, ढीला करेगा, दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द पेंट, ऑब्वियस है कि उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एंड अल्कोहल एंड केरोसिन ऑयल आर यूज्ड एज थिनर,
अल्कोहल थिनर के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए थिनर के एडिक्टर एडिक्ट भी हो जाते हैं लोग उसी थिनर का। जैसे तुमको इंक विंक में थिनर जो यूज किया जाता है ना, उसको लेके बच्चे सूंघते रहते हैं, कई बार देखा हमने, है ना। अब आ जाओ फिलर और एक्सटेंडर। फिलर और एक्सटेंडर ठीक इसका उल्टा हो गया, है ना। जो तुम्हारा थिनर तो हो ही गया, थिनर तो करा दिया हमने, फिलर और एक्सटेंडर, फिलर इसका उल्टा हो गया, थिनर का उल्टा फिलर हो गया, ठीक है ना। द सब्सटेंस आर यूज टू इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ पिगमेंट और पेंट्स, है ना। पिगमेंट्स और पेंट के कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करना, मतलब वही समझ लो कि उसका थिकनेस को बनाना, मतलब विस्कोसिटी भी बनाना, विस्कोसिटी उससे बढ़ेगी। दीज आर लो ग्रेविटी मटेरियल होता है, जैसे BaSO4, CuSO4 डॉट H2O, ट्वाइस H2O, ओके, ये सब यूज होता है। उसके बाद आ जाइए प्लास्टिसाइजर, आ चुका है CDS का क्वेश्चन है। प्लास्टिसाइजर आर यूज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द फिल्म एंड मिनिमाइज द थिकनेस, उसके थिकनेस को मिनिमाइज कर देगा, है ना। दैट इज इलास्टिसिटी देगा, उसको कहेंगे प्लास्टिसाइजर। मेघना वेलकम, ठीक है ना। एंड मिनिमाइज द इट्स क्रैकिंग से बचाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाइए अल्मोनियम पेंट आर हीटेड, हीट रेसिस्टेंट बट कैन नॉट बी यूज फॉर वाटर पाइप्स, है ना। अल्मोनियम पेंट जो हीट रेसिस्टेंस होता है, लेकिन वाटर पाइप में यूज नहीं होता है। लिथोपेन होता है, इज अ सूट दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ द व्हाइट लेड, व्हाइट लेड का सब्स्टिट्यूट है लिथोपेन, BaSO4 प्लस ZnS का मिक्सचर होता है, ओके। और एक आता है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज एज इंग्रेडिएंट इन पेंट टू ऑब्टेन ग्रीन कलर। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पेंट में ग्रीन कलर के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, गॉट इट। तो ये हो गया आपको। अब आ जाइए कॉमनली यूज पिगमेंट्स में क्या क्या कॉमन दैट इज पिगमेंट यूज होता है बच्चों। तो व्हाइट लेड एक पिगमेंट है, वो व्हाइट कलर के लिए ऑब्टेन किया जाता है। ट्वाइस PbOH, OH का होल ट्वाइस, ट्वाइस PbCO3, ठीक है, ट्वाइस PbCO3, ये हो जाएगा आपको व्हाइट लेड पिगमेंट। क्रोम येलो, येलो कलर के लिए PbCrO4, ठीक है। क्रोम रेड, रेड कलर प्राप्त करने के लिए PbCrO4 PbO, ओके। बेसिक लेड सल्फेट व्हाइट कलर प्राप्त करने के लिए PbSO4 PbO, रेड लेड और सिंदूर, ठीक है ना, सिंदूर, है ना, रेड रंग के दैट इज कलर प्राप्त करने के लिए PB3O4, लिथोपोन व्हाइट कलर के लिए BaSO4 प्लस ZnS, मैलेचाइट ग्रीन कलर के लिए CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, ओके। एंड एज्यूराइट ग्रीन कलर के लिए CuOH का होल ट्वाइस ट्वाइस CuCO3, थिनार्ड का यूज किया जाता है ब्लू कलर ऑब्टेन करने के लिए CO2L2O3 उसका हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला। और स्मेल्ट ब्लू कलर के लिए K2O COO.3SiO3O2, ओके बच्चों। तो दीज आर द पिगमेंट्स जो यूज किया जाता है आपको डिफरेंट पेंट्स में, ओके। अब आ जाओ सेफ्टी मैच। एक सेफ्टी मैच से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में बच्चों। Matches was prepared by Ian's Baker. It is pasted on side of the box. Side के box में क्या होता है? Is a mixture of pasted on the side of the box. जो हम matches की तिल्ली लगाते हैं by side में, तो उसमें क्या क्या रहते हैं? Mixture of red phosphorus and phosphorus trisulfide. Red phosphorus and phosphorus trisulfide. P2S3 होता है with sand. उसमें sand होगा, बालू होगा, silicon dioxide, silica, SiO2, ठीक है? And green color is used as a binding. Green color use होगा उसको binding करने के लिए, ठीक है? अच्छा, match box has a mixture of antimony sulfide, AS2, है ना?
H3, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 और लेड होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, ठीक है ना, दैट इज डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड ग्राउंड ग्लास। कालका श्रीवास्तव कैसे हो, नमस्ते। देखो बच्चों, ये कालका श्रीवास्तव पटना से ना, तो दीज आर द सब्सटेंस इन द मैच। नमस्ते। सेफ्टी मैचेस कैचेस फायर ओनली व्हेन द रब्ड अगेंस्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस, किसी खास सरफेस पे अगर रगड़ते हैं तब सेफ्टी मैच जो कैच फायर करता है। तो मैच स्टिक में आपको मैं बता दिया कि एंटीमनी सल्फाइड होगा, पोटेशियम क्लोरेट होगा, रेड लेड होगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा और ग्राउंड ग्लास होगा, और जब इसको स्ट्राइक करते हैं उसके साथ तो जो रेड फॉस्फोरस है वो तुरंत जो 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 साइड बॉक्स में है रेड फॉस्फोरस वो काफी तेजी से दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है ना उसका, दैट इज क्या है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म है सल्फर का, दैट इज फॉस्फोरस का एलोट्रॉपिक फॉर्म है रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस जल्दी कैच करता है फायर, व्हाइट फॉस्फोरस इज यूज्ड एज फॉस्फोरस बम। फॉस्फोरस बम में रात में मिलिट्री को कहीं अगर दैट इज आगे जाना होता है अंधेरे में दिखाई नहीं देता है तो व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया जाता है। और वियना कन्वेंशन में यह है कि आपको यूज नहीं करना है किसी भी आर्म्स के रूप में व्हाइट फॉस्फोरस का, लेकिन अभी हाल में मैं बता रहा हूं कि इसका यूज हुआ था दैट इज इन द सीरिया में रशिया के सैनिकों ने उसका यूज किया है। सीरिया में आपको पता है कि बशर अल असद की सरकार है और बशर अल असद के खिलाफ जो वहां पे अपोजिशन ग्रुप है वो उसका विरोध करती है, और उसमें रशिया जो है बशर अल असद का जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसकी साथ देती है, और बाकी यूएस और नाटो वाले जो हैं वो फ्रेनेटिक ग्रुप का साथ देते हैं और वो चाहते हैं, अमेरिका चाहती है कि उसको हटा दिया जाए, है ना, दैट इज बशर अल असद की सरकार। तो काफी सालों से वहां लड़ाई चल रही है। तो ये बड़े कंट्री जो होते हैं वो सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। वियना कन्वेंशन में है कि भाई ये फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन वहां पे यूज हुआ था। गन पाउडर, हाँ बहुत अच्छी बात है कालका जी। गन पाउडर कल बात भी हुई थी तुमसे। गन पाउडर इज कंसिस्ट ऑफ फ्यूल दैट इज चारकोल एंड सुगर होता है। चारकोल और सुगर, चारकोल या सुगर का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में यूज होता है। एन ऑक्सीडाइजर होता है, ऑक्सीडाइजर में साल्टपीटर, नाइटर या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होगा यूज। एंड सल्फर अलाउ फॉर दैट इज स्टेबल रिएक्शन एंड लोअर इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को प्रज्वलन बिंदु को कम कर देगा। इट इज ऑल्सो कोटेड विथ ग्रेफाइट टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल इग्निशन बाई बिल्डअप इलेक्ट्रोस्टेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन के दैट इज क्रिएट होगा, और ग्रेफाइट जो होगा वो आपको पता है कि मॉडरेटर के रूप में यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, तो यहाँ पे इग्निशन को रोकने के लिए है ना वो काम में आएगा दैट इज ग्रेफाइट्स। एंड इट इज फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोसिव ड्यूरिंग दैट इज एंड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन N2 MCO2 आर इवॉल्व इन द रेशियो दैट इज 1:2:3 के फॉर्म में निकलेगा, और ये पहला दैट इज एक्सप्लोसिव है जो कि बना था गन पाउडर। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए आप प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी दो ही क्वेश्चन इसमें से आता है। मैं बता रहा हूं इसको कि दैट इज पहली तो बात है कि प्लास्टिक्स क्या होता है, क्रॉस लिंक पॉलीमर है जिसमें रिपीटिंग यूनिट तो जो मोनोमर होता है ना, इसलिए ये मोनोमर से पॉलीमर बनता है, तो क्लियर है ना। हाँ N2CO2 और CO भी निकलेगा, यहाँ पे छूट गया है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि वो बम से निकलेगा, तो ये हो गया तीनों, ठीक है काल का। अब आ जाओ, क्रॉस लिंक पॉलीमर है कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर
एंड हैंस दे वेरी टफ होता है नेचर में प्लास्टिक. एक होता है थर्मोप्लास्टिक जो सॉफ्ट होता है ऑन हीटिंग, इसको रीमोल्ड करके बार बार बनाया जा सकता है ना. पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया इसका एग्जांपल. हाँ ठीक है. और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक होता है अंडरगो परमानेंट चेंज. थर्मोस्टेटिक में क्या होता है, परमानेंट चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग ड्यू टू एक्सेसिव क्रॉस लिंकिंग एंड कैन नॉट बी रिमोल्ड एंड रीयूज अगेन एंड अगेन. ये आपको पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी था इसको. और बेकेलाइट और मेलमैक, बेकेलाइट और मेलमैक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. किटकैट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें यूज होता है घरों में, है ना. और मेलमैक मेलामाइन, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, एक तो मतलब कि ये तो थर्मोसेटिंग है ही है, कई जगह यूज होता है. एक बहुत अच्छा इसका यूज है कि फायर एक्सटिंग्विशर जो 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 फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं वो रखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फॉर क्लॉथिंग, क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है ना. क्लॉथ जो पहनते हैं फायर ब्रिगेड के लोग जो फायर एक्सटिंग्विशर लेके चलते हैं वो मेलमेक का कपड़ा पहनते हैं. ये SSC ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कौन सा फायर ब्रिगेड के लोग क्या पहनते हैं. गॉट इट. उसके बाद आ जाइए पॉलीमर अलोंग विद मोनोमर. कौन कौन से पॉलीमर है, जैसे पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथाइलीन. पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर क्या है, स्टाइरीन. पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि आपको PVC जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है वहां विनाइल क्लोराइड होगा. अच्छा पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन है ना, जिसको दैट इज टेट्रा फ्लोरो इथीन होगा उसका. बेकेलाइट का क्या होता है, फॉर्मल डिहाइड और फेनॉल, ठीक है. उसके बाद दैट इज यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन, उसमें यूरिया और फॉर्मल डिहाइड होगा, ठीक है. मेलमैक का क्या होगा, तो मेलामाइन एंड फॉर्मल डिहाइड. दीज आर द मोनोमर्स विच इज यूज इन दैट इज डिफरेंट दैट इज प्लास्टिक्स के फॉर्म में जो यूज होता है उसका मोनोमर हो गया. ओके उसके बाद आ जाइए फाइबर्स. फाइबर्स जो दैट इज आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं. हाँ हीट और इलेक्ट्रिसिटी का रेसिस्टेंट होगा तो इसीलिए तो उसको यूज किया जाता है ना, मैं बताया. दैट इज बहुत अच्छा कालका श्रीवास्तव, वेरी गुड. फाइबर प्रोसेस दैट इज दिस प्रोसेस इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें. पोजेस स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज है ना, फाइबर्स में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उस तरह का. नाइलन 6-6 इज द दैट इज आर्टिफिशियल फाइबर है जो पहली बार बना था, उसी को डैक्रॉन भी कहते हैं और लॉन भी कहते हैं, है ना. और ये पहला दैट इज फाइबर था जो आर्टिफिशियल बना था, नाइलन न्यूयॉर्क एंड एलोएंस लंदन. न्यूयॉर्क और लंदन में पहली बार बना था इसीलिए इसका नाम है नाइलॉन. नाइलॉन 6-6 में मोनोमर क्या है बच्चों, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है. मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ द फॉर द ब्रश, ब्रश के ब्रिस्टल बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, पैरासूट बनाने में, एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द मेटल इन दैट इज कोई चीज को उठाने में, बहुत मतलब कि इसका टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, है ना. नाइलन 6 और परलॉन दैट इज कैप्रो लैक्टम है इसका मोनोमर, ठीक है. और इसका यूज कहाँ पे है, मेकिंग फाइबर बनाने में, प्लास्टिक टायर्स कॉर्ड्स एंड रोप्स बनाने में. ओके उसके बाद आ जाओ टेरलिन. टेरलिन में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड. इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड होता है मोनोमर इसका, और इसका यूज होता है फॉर मेकिंग वॉश दैट इज वॉश एंड वियर फैब्रिक्स, आसानी से धो और उसका यूज करो. ओके टायर कॉर्ड्स बनाने में, सेफ्टी बेल्ट्स बनाने में और टेंट्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है. पॉलीयुरेथेनेज है उसका जो है मोनोमर है टॉलिन डाई आइसोसाइनेट एंड इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है. इसका यूज होता है वॉशेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग मैट्रेस बनाने में, कुशन बनाने में. ओके एंड रियोन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क,
रेयन को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अब आ जाए नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या है? तो पॉलीमर किसका है? तो सिस आइसोप्रीन का। यही क्वेश्चन आ सकता है, बहुत आसानी से आएगा कि क्या चीज मोनोमर क्या होता है नेचुरल दैट इज रबर का। तो नेचुरल रबर एक पॉलीमर है, उसका मोनोमर क्या है? सिस आइसोप्रीन। एंड इट इज एलास्टो, इट इज एन एलास्टोमियर विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड अल्कलीज, इन सब में ये इनसॉल्युबल है, एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड पोजेस लो टेंसिल स्ट्रेंथ, आसानी से टूट जाएगा, टेंसिल स्ट्रेंथ कम है तो। एंड इसमें बाद एक आता है वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन क्या होता है बच्चों? तो आपने देखा नहीं होगा, पहले जब साइकिल में और टायर का ट्यूब मतलब कि ट्यूब में पंचर होता था तो दो तरह से होता था, एक तो उसमें चिप्पी लगाया जाता था, एक वल्केनाइजेशन होता था, मतलब सल्फर के साथ हीट किया जाता है रबर को, तो उसको वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो वल्केनाइजेशन होता था अगर उसका तो पक्का हो जाता था, और तो उसी तरह से जो बाकी टायर ट्यूब बनाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए नेचुरल रबर विद सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड एट 373 केल्विन इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। और कार्बन ब्लैक इज एडेड टू वल्केनाइज रबर फॉर हार्डनिंग ऑफ द टायर, टायर को जो होता है हार्डन करने के लिए कार्बन ब्लैक इसमें यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स में। हाँ, न्यूयॉर्क और लंदन, वी हैड स्टडीड अबाउट द नायलॉन इन क्लास 8, यस। अच्छा, कालका श्रीवास्तव, मैं ये एक चीज बता दूं, सही कह रहे हो तुम कि जो भी यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं ना, दे आर मोस्टली फ्रॉम द 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आपको अभी तो आप तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें तो खैर काफी अलग चीज पढ़ना है, बट अगर तुम यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो यूपीएससी के क्वेश्चन में यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आपको छठी से लेके 12वीं तक का है ना पूरा ठीक से पढ़ना होता है, और उससे क्वेश्चन बहुत अच्छा खासे आते हैं। मतलब 11, 12 का तो खाली अप्लाइड चीज आएगा, 11, 12 में मैकेनिज्म नहीं आएगा, है ना। ओम वर्मा जय हिंद, कैसे हो। मैकेनिज्म नहीं आएगा बल्कि उसके खाली आएंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा 11, 12 में। 6, 7, 8, 9 जैसे ज्योग्राफी में कल एक मेरे को लड़का बता रहा था, आज स्पेशल नहीं होगी, आज स्पेशल नहीं है ओम वर्मा, कल सुबह से लगाएंगे। आज मेरी दिन में ऑफलाइन भी क्लास थी इसलिए मैंने आज स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे रखी नहीं, ठीक है ना। तो वो कल आपको मैं उसकी आज की और कल की पूरी क्लास पूरी करूंगा। कल तो मैंने क्लास की थी बट कल मैं सुबह से 8 बजे से क्लास लगाऊंगा, ठीक है, श्योर शॉट। आज मैं इस समय का शाम का क्लास नहीं रखा हूँ तो वो क्लास मैं कल दे दूंगा। आज आपको 7:45 पे प्लस की क्लास होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो आप ही को ले लिए करा रहा हूँ बच्चों, जो CDS का पेपर है 7th Feb के लिए उसी के लिए तैयारी चल रही है, आप भी फायदा उठाइए, आपका NDA का कोर्स सिलेबस है ये। अभी ओम वर्मा लेट आए हो, तुमको रिविजन करा दूंगा, ठीक है ना। फैलिंग सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट रिएजेंट कर रहे हैं, CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको रॉच दैट इज रॉचेल सॉल्ट कहते हैं, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सर को कहते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ये सब तो तुम लोग क्लास में किए होगे प्रैक्टिकल में। AgNO3 का सॉल्यूशन प्लस NaOH प्लस NH4OH होता है। सोडा लाइम क्या होता है? CaOHOH का होल ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH होता है। लिथोफोन BaSO4 प्लस ZnS होता है, ठीक है। नेस्लर्स रिएजेंट K2 है ना HgI4, और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया सस्पेंशन ऑफ HgOH MgOHOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एंटासिड है, एसिडिटी के खिलाफ दवा है इन द वाटर, ठीक है ना। एसिड बेस सॉल्ट में भी ये कराया हूं आपको, और इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। और ये जब जो डाइजिन सिरप होता है जब एसिडिटी होती है तो उसमें यही का दैट इज यूज किया जाता है, मतलब उसमें यही होता है केमिकल, उसका जो कंपोजिशन है यही है, है ना। नेल्सन सेल्स NaOH का दैट इज उसमें यूज होता है। मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस से सिल्वर साइनाइड प्रोसेस कहते हैं उसको। मॉन्ड प्रोसेस निकल का यूज होता है। और बर्कलैंड आयड प्रोसेस NO और HNO4
और लेड चैम्बर प्रोसेस H2SO4 के लिए यूज होता है। गॉट इट? तो दीज आर द टॉपिक बच्चों, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको। ओम वर्मा इंक हमने शुरू किया है आज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक सबसे पहले 4000 ईयर में इजिप्ट में बना था और फर्स्ट टाइम ये प्रिपेयर्ड हुआ था कोल और रेजिन से, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन इंक को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक एनिलिन इंक और एक आयरन जेल इंक। एनिलिन इंक में रॉ मटेरियल इओसिन होता है, ग्लिसरीन होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, फिनॉल होता है। कार्बोनिक एसिड और बोरिक एसिड H3BO3 इसका इस्तेमाल किया जाता है फंजाई उसमें ना डेवलप हो, फंगस ना डेवलप हो उसके लिए। और ग्लिसरीन को यूज किया जाता है स्टैम्प पैड इंक में, रेजिन और ग्लू और गम फॉर शाइनिंग के लिए यूज होता है, उसके बाद कलर सब्सटेंस यूज होता है। दूसरा आयरन जेल इंक है जिसमें रेजिन और ग्लू और गम अरबिक ग्लिसरीन यूज होता है, अल्कोहल स्प्रिट और फिनॉल यूज होता है बच्चों इसमें, और टैनिक एसिड गैलिक एसिड या ब्लू ब्लैक इंक में यूज होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट FeSO4 और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कलरिंग सब्सटेंस इंक में हमने बता दिया। गीता मिश्रा कल तुम नहीं आई रात में पॉलिटी की क्लास में, या यू हैव नॉट देयर, थे प्रेजेंट थे गीता? आज इस समय केमिस्ट्री की क्लास चल रही है बच्चों, 6:30 से 6 के बीच में मैं रोज ले रहा हूँ आजकल, और रात में आपको चल रहा है पॉलिटी जिसमें कि आपको कल, आज मैं फंडामेंटल ड्यूटी कराऊंगा, ठीक है। 6:10:30 फंडामेंटल ड्यूटी, गुड इवनिंग। फंडामेंटल ड्यूटीज आज पूरा हो जाएगा, दो दिन और क्लास रहेगी छोटी छोटी, उसके बाद आपको पार्लियामेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए नेफ्थलीन ब्लैक, ब्लैक ब्लू इंक के लिए, मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर इंक के लिए, इओसिन एंड कॉन्गो रेड, रेड कलर के लिए, मैलेचाइट ग्रीन, ग्रीन कलर के लिए, एनिलिन ब्लैक, ब्लैक कलर के लिए यूज होता है। गॉट इट? उसके बाद हमने पेपर कराया जिसमें सेलुलोज रॉ मटेरियल होता है, प्लांट का सेलवाल सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि इसमें प्रिपेयर करने में हम पहले स्मॉल रैक्स, छोटे छोटे रैक्स, तिनका वगैरह, ग्रास वगैरह, पीस ऑफ द वुड और कास्टिक सोडा को लेके और उसको खूब दैट इज बॉयल करते हैं, है ना। बॉयल करने के बाद उसको कूल किया जाता है, देन उसको ब्लीच किया जाता है, डिसकलर किया जाता है और उसके परफेक्ट व्हाइट पेस्ट बनाते हैं। फिर उसमें एलम, व्हाइट क्ले एंड रेजिन ऐड करके और थिन शीट्स बना दिया जाता है। फिर थिन शीट्स को दैट इज स्टीम से ड्राई करके पेपर में कटिंग कर देते हैं बच्चों। फिर मैंने पेंट बताया कि मिक्सचर ऑफ द पिगमेंट सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट होता है और इसका सरफेस कोटिंग में यूज होता है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेंट, पेंट में पिगमेंट्स है, सॉल्वेंट है, ड्रायर है, थिनर है, है ना, फिलर और एक्सटेंसर है, ये तुमको याद रखना है। अब पिगमेंट्स में दैट इज जो कलर कलर देगा वो डेफिनेट कलर होता है, पिगमेंट हम लोग अलग से करेंगे ही। सॉल्वेंट में हम लोग ऑयल यूज करते हैं जैसे टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, और ड्रायर में हमने बताया कि MnO, COO, है ना, और दैट इज रोजिनेट कंपाउंड जिसको कहते हैं, लेड मैंगनीज या कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और थिनर में जो विस्कोसिटी को कम करेगा, ठीक है ना। बताओ तो कल का श्रीवास्तव, व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है, लिखना अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कल का कि व्हाट इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो उसके बाद इसमें मैं बता रहा हूं थिनर सब्सटेंस जो होता है वो विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है और वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, उसमें अल्कोहल केरोसिन ऑयल यूज होता है, गॉट इट। उसके बाद फिलर एंड एक्सटेंडर जो मैं बताया कि विस्कोसिटी के ठीक उल्टा काम करेगा, सब्सटेंस आर यूज्ड इन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ पिगमेंट और पेंट का, उसका दैट इज कंसंट्रेशन दैट इज वॉल्यूम भी बढ़ाएगा, और लो ग्रेविटी मटेरियल होता है जैसे BaSO4, CuSO4, H2O, नेट नॉट येट स्टडी दैट चैप्टर सर, कोई बात नहीं बताऊंगा। विस्कोसिटी होता है इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड रेसिस्ट द फ्लो ऑफ ईच अदर बिकॉज इंटरटेंजेंशियल फोर्स एक्ट बिटवीन देम। दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना फ्लूइड का, हाँ, उसी में है ये, ठीक है, उसी में है विस्कोसिटी। उसके बाद प्लास्टिसाइजर में बताया टू प्रिवेंट इलास्टिसिटी और फिल्म का दैट इज टू द फिल्म एंड मिनिमाइज द क्रैकिंग, उसके लिए यूज किया जाता है,
एल्युमिनियम पेंट का यूज किया जाता है, दैट इज एल्युमिनियम पेंट आर हीट रेसिस्टेंट होते हैं, तो उसमें दैट इज पाइप वगैरह में इसका, वाटर पाइप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। फिर लेथोपोनिक है, सब्स्टिट्यूट ऑफ द व्हाइट लेड है, क्रोमियम ऑक्साइड होता है, इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट, ग्रीन कलर ऑब्टेन करने के लिए बच्चों। फिर उसके बाद हमने पिगमेंट्स बता दिया कि व्हाइट लेड से व्हाइट कलर होगा, क्रोम येलो से येलो कलर होगा, क्रोम रेड से रेड कलर होगा, बेसिक लेड सल्फेट से व्हाइट होगा, रेड लेड और सिंदूर से रेड होगा, और लिथोपोन से व्हाइट कलर का पेंट प्राप्त होगा, मैलेचाइट से ग्रीन कलर का, एजुराइट से ग्रीन कलर का, थिनार्ड ब्लू कलर, स्मेल्ट ब्लू कलर, उसके फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने सेफ्टी मैच बताया कि यान बेकर्स ने इसको बनाया था, और इसमें पेस्ट होता है साइड वाले में रेड फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का, और सैंड होता है, और ग्रीन कलर होता है बाइंडिंग के रूप में, और मैच जो जो स्टिक होता है उसमें एंटीमनी सल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोरेट होता है, और दैट इज लेड और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, और ग्राउंड ग्लास होता है। जब उसको हम तिल्ली ऐसे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में तुरंत एलोट्रॉपिक फॉर्म में चेंज हो जाता है और जल पड़ता है, और यह बहुत जल्दी कैच फायर करता है सेफ्टी मैच, है ना, अगर रब करते हैं तो स्पेशल काइंड ऑफ सरफेस पे। गन पाउडर में बताया कि चारकोल और सुगर उसमें तुमको दैट इज फ्यूल के रूप में हुआ तो यूज होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, सॉल्पीटर, नाइटर और पोटेशियम नाइट्रेट, और सल्फर इसको अलाउ करता है स्टेबल रिएक्शन के लिए, और इग्निशन टेम्परेचर को लो करने के लिए कि जल्दी आग लग जाए, ठीक है ना। ऑल्सो कोटेड विद ग्रेफाइट होता है जो कि एक्सीडेंटल इग्निशन को रोकेगा, है ना, और फर्स्ट केमिकल एक्सप्लोसिव यह था जिसमें CO2, N2, CO2, CO1:2:3 के रेशियो में निकला। उसके बाद प्लास्टिक हमने बताया बच्चों, जो कि दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, और प्लास्टिक टफ होता है, नायलन तो मतलब कि इतना हार्ड होता है कि स्टील से भी हार्ड होता है ना। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज PVC, टेफ्लॉन, ये सब है कि एक बार मोल्ड करके फिर उसको वापस करके फिर हम मोल्ड कर सकते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक हो गया। थर्मोसेटिंग हो गया कि वंस मोल्डेड इट कैन नॉट बी हीटेड एंड अगेन इट कैन नॉट बी रीमोल्ड, इसको रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसमें बेकेलेट और मेलमेक होता है। और फिर पॉलीमर हमने बताया, पॉलीथाइलिन का इथाइलिन मोनोमर है, पॉलीस्टाइरीन का स्टाइरीन मोनोमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड है, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन का टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन है, बेकेलाइट का फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल है, ना यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूरियान फॉर्मल्डिहाइड है, और मेलमेक का मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर है। फिर हमने फाइबर बताया बच्चों, फाइबर्स में नाइलन 6,6 है जिसका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, इसका ब्रश ब्रश वगैरह बनता है, पैरासूट्स बनता है, है ना। उसके बाद इसको मेटल के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है, नाइलन 6 और पर्लॉन जो है, कैप्रोलैक्टम है इसका मोनोमर, और इसका यूज किया जाता है प्लास्टिक टायर कोर्स रोप्स बनाने में। और फिर तुमको टर्लिन है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड इसका मोनोमर है, और इसका यूज होता है फैब्रिक्स बनाने में, टायर कॉर्ड बनाने में, सेफ्टी बेल्ट्स बनाने में, टेंट्स वगैरह बनाने में, है ना, वॉश एंड वेयर फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज होता है। और फिर पॉली यूरेथेन्स है जो टॉयलिन और डाई आइसोसाइनेट एंड एथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इसका वॉशेबल लॉन्ग लास्टिंग मैट्रेस कुशन वगैरह बनाने में यूज होता है। फिर हमने नेचुरल रबर बताया जिसका मोनोमर आइसोप्रीन है और ये इलास्टोमियर है, इसको दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर डाइल्यूट दैट इज एसिड्स एंड अल्कलीज है, गॉट इट। और इसमें आपको मैं बताया कि इसका टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है ना, प्लास्टिक का ज्यादा होता है। राइट नाउ आई एम स्टडिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड नॉट येट रीच टू द ओके, सो आई विल आस्क यू अबाउट द आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे मैं आपसे करूंगा, ठीक है ना, तो बात करता हूँ मैं आपसे। उसके बाद आ जाइए वल्केनिक वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होता है जिसमें कि सल्फर ZNO को मिला के और 373 केल्विन पे अगर उसको हीट करते हैं तो रबर की दैट इज स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसका वल्केनाइज्ड रबर कहते हैं। और ये टायर वायर में यूज होता है, कार्बन ब्लैक इसमें ऐड किया जाता है हार्डनिंग के लिए। फिर उसके बाद हमने रिएजेंट का बताया, ये तो आपको कोई खास मतलब नहीं है, रिएजेंट में आ सकता है, लेकिन इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, आज रात में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज कराई जाएगी एट 10 PM
बी लाइव एट 10:30 PM। 10:30 PM पे आ जाइए। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका पॉलिटी का आज खत्म भी हो जाएगा, शुरू भी होगा, खत्म भी हो जाएगा। और आपको दैट इज सभी को दैट इज यहाँ पे मैं बुलाता हूँ, 10:30 पे आ जाइए। आओ कल का तुम भी आओ, अगर तुमको भी तैयारी करनी है कोई भी कंपटीशन, तुम तो अगर इंजीनियरिंग में हो, बट यू विल गेट बेनिफिटेड। बी लाइव देयर इफ यू हैव टाइम। एंड गुड बाय।